हरिपुर में भवानी और देव दो भाई रहते थे। भवानी की अपनी सब्जी की दुकान थी। इसकी दुकान से काफी अच्छा मुनाफा होता और देव गांव के सेठ राजेश लाल का बहुत वफादार और मेहनती प्रबंधक था। ये लीजिए सेठ जी, इस फसल का मुनाफा। ठीक है, इसे मेरी तिजोरी में रख लो। सेठ जी, आप एक बार इन पैसों को गिन तो लें। अरे नहीं, तुमने गिन लिए हैं, काफी है। मुझे गिनने की क्या जरूरत पड़ी, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। और हाँ, इन पैसों में से 50,000 तुम भी ले लो, ये तुम्हारी मेहनत का इनाम है। राजेश लाल को देव पर बहुत विश्वास था। सेठ राजेश लाल हमेशा देव को उसकी तनख्वाह के अलावा और भी बहुत सारे इनाम देता। दोनों भाइयों का समय बहुत अच्छा गुजर रहा था। अरे और राम चाचा, आप तो जानते हैं मेरे और देव के माता पिता तो नहीं, इसलिए मुझे अपने और देव के बारे में खुद ही सोचना होगा। आप ऐसा क्यों नहीं करते, मेरे और देव के लिए दो अच्छी सी लड़कियां ही ढूंढ दो। और चाचा मेरी बात सुन, मैं और देव कब तक घर और बाहर के काम करते रहेंगे, घर संभालने वाला भी तो कोई चाहिए। बेटा मेरे पास दो लड़कियों के रिश्ते हैं तुम्हारे और देव के लिए। बड़ी बहन का नाम रेखा और छोटी का नाम नैना है। दोनों बड़ी अच्छी तरह से घरदारी जानती हैं। इनके माता पिता भी बहुत अच्छे लगती हैं। अरे वाह चाचा जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप आज के आज ही बात करें इनके माता पिता से। फिर राम चाचा ने रेखा और नैना के माता पिता से बात की। जी ठीक है भाई साहब, हमें इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं, आप बस जल्दी से शादी का मुहूर्त तय कर दें। रेखा और नैना की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, वो दोनों हर समय आपस में झगड़ती रहती। कुछ दिनों बाद ही उनकी धूमधाम से शादी हो गई। शादी के कुछ दिनों बाद देव और भवानी ने अपने अपने काम पर जाना शुरू किया। अरे ओ बागेवान, कहाँ हो, ये देख मैं क्या लाया, ये पकड़ ले इस हफ्ते का मुनाफा। अरे ये कितने से पैसे है, उस नैना को देख लो, हमसे ज्यादा अमीर है। वो देव उसे हर रोज इतने इतने पैसे लाकर देता है। अरे वो देख, एक तू भी बहुत बड़ी सरदर्द है, वो तो सेठ देव को इनाम देता है ना। तुम्हें भी चाहिए कि सेठ राजेश लाल के घर काम पर लग जाओ, फिर तुम्हें भी तनख्वाह के साथ साथ इनाम मिलेंगे और फिर मैं नैना से ज्यादा अमीर हो जाऊंगी। क्या मैं चरिया हूँ या तेरा दिमाग घूम गया, क्या मैं अपनी अच्छी खासी दुकान छोड़कर सेठ के यहाँ नौकरी कर लूँ। अरे तुम समझ नहीं रहे हो। अरे ओ, तुम मुझे क्या समझाना चाहती हो, मैं तुम जैसी 10 को समझा कर रोजाना घर आता हूँ। जब भूख लगी है मेरे लिए खाना लेकर आओ। देखा हमेशा नैना से बहुत जलती। अरे हटो, पहले मैं खाना बनाऊंगी उसके बाद तुम आना। अरे पागल हो गई हो क्या, पहले मैं रसोई में आई थी इसलिए पहले मैं खाना बनाऊंगी। ए झूठ क्यों बोल रही हो। अरे बागेवान कहाँ हो। मैं यहाँ रसोई में हूँ। ये देखो बागेवान, सेठ जी की जमीन मैंने बहुत अच्छी रकम में बुकवाई है, इसलिए सेठ जी ने मुझे खुश होकर बहुत सारा इनाम दिया। क्यों ना आज हम बाहर जाकर बड़ी सी पार्टी उड़ाते हैं। अरे वाह ठीक है, मैं भी तैयार हो जाती हूँ। अरे रेखा तुम अब पहले सारा दिन रसोई में खाना बनाओ, मैं और देव तो बाहर खाना खाने जा रहे हैं। रेखा को नैना और देव से बहुत जलन होती है, वो फौरन भवानी के पास गई। अरे आज फिर सेठ ने उस देव को बहुत पैसे इनाम में दिए हैं, वो दोनों बाहर खाना खाने गए हैं, चलो हम भी बाहर खाना खाने चलते हैं। अरे ओ तुम्हें क्या मसला है, क्यों हर वक्त नैना और देव से मुकाबला करती हो, जब घर में ही खाना है तो बाहर जाने की क्या जरूरत है। वैसे भी मेरे पास इतनी फालतू दौलत नहीं है कि जाकर होटलों पर खाने खाऊं। क्या मैंने कोई धक्का मार लिया है आज जो आते ही मेरे पीछे पड़ गई। रेखा मुंह में बरबराती हुई वहाँ से चली जाती है। इसी तरह नोक झोंक में समय गुजरता रहा। एक दिन सेठ राजेश लाल की बीवी देव से, अरे वाह देव, तुमने तो बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही खूबसूरती से जेवर बनवाए हैं मेरे, ये लो ये वाला जेवर तुम नैना को दे देना, ये तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत का इनाम है। अरे नहीं नहीं बेगम जी, ये जेवर तो बहुत महंगे हैं, मैं ये जेवर नहीं ले सकता। कैसी बात कर रहे हो देव, इस गहने की कीमत तो तुम्हारी ईमानदारी के आगे बिल्कुल कम है। ले लो ये जेवर, नैना को दे देना।
देव खुशी खुशी वो जेवर ले लेता है। अरे भाग्यवान, ये देखो बेगम जी ने तुम्हारे लिए कितने महंगे सोने के गहने दिए हैं। नैना ने देव से वो जेवर लिया। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है। आपको ये गहने नहीं लेना चाहिए थे ना? मैंने बहुत मना किया बेगम जी को, लेकिन वो माने ही नहीं, जबरदस्ती दे दिए हैं। अच्छा वैसा करो, इन गहनों को संभाल कर रख दो, और सुनो मेरे लिए जल्दी से खाना ले आओ, बहुत भूख लगी है। रेखा ने इन दोनों की सारी बातें सुन ली। अरे ये क्या, इतना महंगा जेवर? जरूरी तो नहीं कि हर इनाम इन दोनों को ही मिले, कभी हमें भी तो मिलना चाहिए ना। जैसे ही रात को देव और नैना सो गए, तभी रेखा उन दोनों के कमरे में आई और जेवर चोरी कर लिया। अरे देव, वो कल आप जो गहने लाए थे ना, वो नहीं मिल रहे। ये क्या कह रही हो भाग्यवान, अच्छे से देखना था, क्या सारी जगह देख लिया गहनों को? हाँ हाँ, अच्छे से ही देखा है, लेकिन नहीं मिल रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अभी रेखा और भवानी भैया से पूछ कर आती हूँ। फिर नैना उन दोनों के पास गई और उनसे, रेखा कल देव ने मुझे एक सोने का जेवर ला कर दिया था। देखो वो जेवर बेगम साहिबा ने दिया था, मैंने कमरे में ही रखा था, मिल नहीं रहा। आप दोनों ने देखा है क्या? अरे नहीं, हम नहीं जानते तुम किस बारे में बात कर रही हो। लगता है चोरी हो गया होगा तुम्हारा जेवर। नैना चिंतित वहाँ से चली गई। देख भाग्यवान, पता नहीं कहाँ चला गया बिचारी का जेवर। एक बात बताओ, वो जेवर मैंने ही चोरी किया है। अरे ये क्या बात हुई, ऐसा क्यों किया तूने? अरे ये बिल्कुल ठीक नहीं कि हमेशा उस देव और नैना को ही इनाम मिले, कभी हमें भी तो मिलना चाहिए ना। और वैसे भी इतने महंगे जेवर का वो नैना क्या करेगी? बात तो तू बड़े पते की कर रही है, लाओ मुझे दो वो गहने, कहीं फिर ना वो नैना के हाथ लग जाएं। दूसरी तरफ देव और नैना बहुत ही परेशान थे। क्या हुआ देव, तुम इतनी चिंता में क्यों हो? सेठ जी, जो कल बेगम साहिबा ने मुझे गहने दिए थे इनाम में, वो कल रात ही चोरी हो गए, बहुत ढूंढा मगर कहीं मिल ही नहीं रहे। ओहो, ये तो वाकई चिंता की बात है, मैं भी अपने आदमियों को कहता हूँ पूरे गांव में तलाश करें वो गहने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। फिर देव घर आ जाता है। अरे वो नैना, सेठ जी ने कहा है कि वो अपने आदमियों को बेचकर सारे गांव में चोर का पता करवाएंगे। उनकी बातें रेखा ने सुन ली। रेखा फौरन भवानी के पास जाती है। अरे अरे, हम तो पुकरे जाएंगे, सेठ राजेश लाल है ना, सारे गांव की तलाशी लेने वाला है जेवर की वजह से। अरे ओ, ये क्या उल फूल बक रही हो, कहीं की भी बात सुनती हो और मुझे सुना देती हो, मैं वैसे ही बड़ा डरपोक हूँ, क्या तुम मुझे डरा डरा कर मारना चाहती हो? भवानी ने कुछ देर सोचा। देख मेरी बात सुन, मेरे पास एक आइडिया है, मैं भी आता हूँ, और एक मेरी बात मान, मेरे आने तक गहने जहाँ से उठाए थे ना, वही चुपके से रख दो। अरे ओ सेठ जी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, मेरी बात सुनो। हाँ बोलो भवानी, क्या बात करनी है? अरे ओ सेठ जी, मैं एक बड़ी पते की बात बताने आया हूँ तुम्हें। देव की कोई चोरी नहीं हुई, वो झूठ पर झूठ बोल रहा है ताकि इसे आप और जेवर दे दें। भवानी तुम क्या बकवास कर रहे हो, कुछ सोच समझ कर बोला करो, देव ऐसा क्यों कर सकता है? आप मेरी बात माने, आप देव पर कुछ ज्यादा ही विश्वास करते हैं, वो मेरा भाई है ना, मैं इसे आपसे ज्यादा जानता हूँ, आपको चाहिए इसके घर की भी तलाशी लें, फिर सारा ही पोल खुल कर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है भवानी, तुम जैसा कहते हो मैं चलता हूँ, अगर ये सच ना हुआ तो फिर तेरी भी खैर नहीं। फिर सेठ भवानी के साथ उनके घर जाता है। सेठ जी आप यहाँ? मांगो देव के घर की तलाशी लो। मांगो ने देव के कमरे की तलाशी ली। सेठ जी ये देखो, ये गहने मिल गए हैं। देव तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसा घटिया काम करते हुए, अगर तुम्हें और गहनों की जरूरत थी तो मुझे कह देते, मैं कौन सा तुम्हें मना करता। क्या मतलब सेठ जी, आप क्या बात कर रहे हैं? तुमने जेवर चोरी होने का नाटक क्यों किया, इसलिए कि मैं तुम्हें और जेवर दे दूं? नहीं सेठ जी, आप मेरी बात तो सुने। बस बस, अब सुनने सुनाने को क्या रह गया, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना,
सेठ राजेश लाल वहाँ से चला गया। अरे ओ देव, ये क्या काम किया तूने? मुझे तो खुद ही बड़ी शर्म आ रही है तुझे अपना भाई कहते हुए। मैं अब इस घर में तुझे एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। जा निकल जा मेरे घर से, चलता बन इधर से। अभी के अभी रफू चक्कर हो यहाँ से। ये क्या तमाशा लगा रखा है, सारी बस्ती में ही बदनाम कर दिया मुझको। लेकिन भैया ये सब गलत है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्या तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आ रही? जा निकल जा मेरे घर से। रेखा और भवानी ने उन दोनों को घर से निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम? चिंता मत करो बागेवान, क्या पता कोई हमें रहने के लिए जगह मिल ही जाए। ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। नैना और देव सारा दिन गांव में भटकते रहे, लेकिन उनकी किसी ने भी कोई मदद नहीं की। बागेवान, हम ऐसा करते हैं, जंगल में जाते हैं, वहाँ कुछ ना कुछ खाने को तो मिल जाएगा, फिर रहने के लिए भी कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाएगा। फिर वो दोनों जंगल से खाना तलाश करने चल पड़े। उन्होंने जंगल में भी बहुत ढूंढा, लेकिन उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिला। हमें तो जंगल में भी कुछ खाने के लिए नहीं मिला, मुझे लगता है हम भूखे ही मर जाएंगे। तभी देव ने अपनी लाठी जमीन पर पड़े हुए एक पत्थर पर मारी और वो लाठी सोने की बन गई। अरे ये क्या, इस लाठी का रंग कैसे बदल गया? तभी अचानक आवाज आती है। तुम दोनों बहुत अच्छे व्यक्ति हो, मैं अच्छे व्यक्तियों की मदद के लिए बना हूँ। मैं पत्थर बो रहा हूँ जिसे तुमने अभी अभी लाठी मारी। मेरा नाम पारस पत्थर है, तुम मेरे साथ जिस चीज को भी लगाओगे वो सोने की बन जाएगी। तुम मुझे अपने साथ ले जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। पारस पत्थर, ये यकीनन हमारी ईमानदारी का ऊपर वाले की तरफ से इनाम है। ये कहकर नैना ने एक पत्थर उठाया और पारस पत्थर के साथ लगाया। देखते ही देखते वो पत्थर सोने का बन गया। उन्होंने जंगल में पड़े बहुत सारे पत्थरों को सोने का बनाया। फिर देव उन पत्थरों को सुनार के पास बेचने ले गया। देव को वो पत्थर बेचकर इतने पैसे मिले कि उन्होंने उसी दिन एक बहुत बड़ा घर खरीद लिया। वो दोनों पारस पत्थर को अपने साथ अपने घर ले गए। उन्होंने पारस पत्थर की मदद से बहुत सारी चीजें सोने की बना बना कर बेची और गांव के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। उन्होंने बहुत सारे गरीब लोगों की मदद की, गरीब बच्चों के लिए एक फ्री स्कूल खुलवाया। वो दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे। अब पूरे गाँव में उनके अमीर होने की धूम मच गयी। अरे रेखा, तुम्हारे देवर और तुम्हारी बहन तो बहुत अमीर हो गए है। क्या अमीर हो गए हैं? ये कैसे हो सकता है? मेरे साथ फजूल मजाक मत करो। अरे नहीं नहीं, मैं सच कह रही हूँ। इनके हाथ कहीं से पारस पत्थर लगा है जिस कारण वो दोनों गांव के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ये सुनकर रेखा बहुत हैरान हुई और फौरन भवानी के पास गई। अरे ओ, ये क्या बोल रही हो, मैं अभी पता करता हूँ ये क्या राज है। इसके पास कहाँ से आया पारस पत्थर, वो तो बहुत बड़ी भूख है। फिर भवानी देव के पास जाता है। भैया आप यहाँ? देख देव, मुझे माफ कर दे, मैंने तुम्हारे साथ कोई अच्छा बर्ताव नहीं किया। अरे नहीं नहीं भैया, ये कैसी बातें कर रहे हो? आप मेरे बड़े भाई हो, मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? जो कुछ हुआ बस एक गलतफहमी से हुआ ना, इसमें तुम्हारा क्या कसूर? अच्छा एक बात बता, तुम इतने अमीर कैसे हो गए? कैसे तुम्हारे पास इतनी दौलत आई? आए भैया जी, मैं आपको दिखाता हूँ क्या राज है। फिर देव भवानी को पारस पत्थर के पास लेकर गया और उसे सारी बात बताई कि उसे पारस पत्थर कैसे मिला और उसके बाद क्या हुआ। अरे ओ, अच्छा तो ये बात है। ठीक है देव, मैं चलता हूँ, फिर कभी आऊंगा और बैठकर चाय पानी भी पीऊंगा तेरे पास। अरे नहीं भैया जी, थोड़ी देर और रुक जाएं। नहीं नहीं, अभी मुझे बहुत काम है, मैं चलता हूँ। ये कहकर भवानी रेखा के पास गया और उसे सारी बात बताई। अच्छा, हम वो पारस पत्थर चोरी कर लेंगे और बहुत अमीर हो जाएंगे। जैसे ही रात हुई वो दोनों पत्थर चोरी करके अपने घर ले आए। हा हा हा, अब हम भी अमीर हो जाएंगे। अरे ओ कमबख्तो, हरगिज नहीं, तुम लोग इस लायक नहीं कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। तुम लोग तो इंसान बनने के भी लायक नहीं हो। अब तुम दोनों
अपनी सजा के लिए तैयार हो जाओ। फिर पत्थर में से एक रोशनी निकली और वो दोनों एक बियाबान जंगल के बीच लटके पिंजरे में पहुंच गए। कई दिन भूखा प्यासा रहने के कारण उन दोनों की मौत हो गई और उन दोनों को उनके कर्मों की सजा मिल गई और पारस पत्थर वापस जादू से नैना के घर चला गया। व्यूअर्स, हमारे चैनल मम्मी डैडी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताएं।